नीतीश कुमार जी ने 40% गरीब छात्रों को एससी एसटी ओबीसी के छात्रों को पैसे देने से शिक्षा के लिए साफ मना कर दिया, यह कहकर कि उनके पास पैसा नहीं है। 8800 करोड़ रुपए का बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने घोटाला किया और अनुसूचित जनजाति एससी एसटी के पैसे को सड़क में, पुल में, बिजली विभाग में देने का काम किया। एससी एसटी और ओबीसी के बच्चों से दारू ढोवाए और तेजस्वी यादव जी का जो मंशा है कि उन्हीं के तरह बिहार का एससी एसटी का बच्चा नौवीं फेल हो, उसके विरोध में आज हम लोग पूरा सड़क पर उग्र प्रदर्शन करने का हम लोग काम कर रहे हैं। एससी एसटी और ओबीसी के छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए सरकार पूरा का पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार थी। हर एक राज्य ने इस स्कीम को अपने अपने राज्य में लागू किया, लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उनके भतीजा डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी ने इस स्कीम को लागू नहीं किया। केंद्र सरकार ने कहा कि एससी एसटी ओबीसी के छात्रों को जितना भी खर्च लगेगा आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल और इंजीनियरिंग के पढ़ाई में 60% पैसा केंद्र की सरकार देगी और 40% पैसा राज्य सरकार को देना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आज आंदोलन किया जा रहा है एससी एसटी स्कॉलरशिप को लेकर के, और यहाँ पर कौन कर रहे हैं आंदोलन? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है पशुपति कुमार पारस का गुट है, उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो करेंगे। उनके नेता से यहाँ जो स्कॉलरशिप बन किया गया, सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र की सरकार ने 2021 में फ्री सिप स्कीम लाया था, जिसके तहत पूरे देश के हर एक राज्य में एससी एसटी और ओबीसी के छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए सरकार पूरा का पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार थी। हर एक राज्य ने इस स्कीम को अपने अपने राज्य में लागू किया, लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उनके भतीजा डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी ने इस स्कीम को लागू नहीं किया और हाईकोर्ट को ये कहा कि हम इस स्कीम को लागू नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास, बिहार सरकार के पास, फंड नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि एससी एसटी ओबीसी के छात्रों को जितना भी खर्च लगेगा आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल और इंजीनियरिंग के पढ़ाई में 60% पैसा केंद्र की सरकार देगी और 40% पैसा राज्य सरकार को देना होगा। नीतीश कुमार जी ने 40% गरीब छात्रों को एससी एसटी ओबीसी के छात्रों को पैसे देने से शिक्षा के लिए साफ मना कर दिया, यह कहकर कि उनके पास पैसा नहीं है। 8800 करोड़ रुपए का बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने घोटाला किया और अनुसूचित जनजाति एससी एसटी के पैसे को सड़क में, पुल में, बिजली विभाग में देने का काम किया और आज हम लोग पूरे मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने के लिए अपने नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस चाचा जी और हम लोगों के बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज भैया के नेतृत्व में आज हम लोग यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हम लोग राज्यपाल महोदय से मिलकर बिहार के मुख्यमंत्री जी का जो मंशा है कि एससी एसटी और ओबीसी के बच्चों से दारू ढोवाए और तेजस्वी यादव जी का जो मंशा है कि उन्हीं के तरह बिहार का एससी एसटी का बच्चा नौवीं फेल हो, उसके विरोध में आज हम लोग पूरा सड़क पर उग्र प्रदर्शन करने का हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर में यह पहला राज्य होगा बिहार जहां पे लोगों को शिक्षा देने के लिए पैसा नहीं है और जातीय जनगणना कराने का पैसा है। ये बिहार सरकार का जो दोहरा चरित्र है आज उसको हम लोग अपने आंदोलन के माध्यम से हम लोग उजागर करने का काम कर रहे हैं। तो आपने सुना आकाश यादव को, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है छात्र विंग के और पशुपति पारस गुट के नेता हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है और जो छात्रवृत्ति का पैसा है एससी एसटी का वो गलत जगह यूज हो रहा है, पुल पुलिया बनाने में। उनकी मंशा है कि छात्रों को से दारू ढुलवाए और छात्रों को तेजस्वी यादव की तरह नौमी फेल रखी जाए। बहरहाल मुनरे जनता जंक्शन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।